स्वागत है आपका लर्निंग हब में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं पंचायत सचिव में जो एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, जो संभावित क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें क्या पूछ सकता है आपको एमएस एक्सेल में, कि आपको जैसा कि नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है, एडिशन पूछा जा सकता है, सब्सट्रैक्शन पूछा जा सकता है, एवरेज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर। ये मैं आपको हाई एंड की तरफ बता रहा हूँ कि थोड़ा एक्स्ट्रा जान लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, तो ये सभी चीज आज हम इस पूरे सेशन में कवर करने वाले हैं। और आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है, ये क्वेश्चन यूडीसी का अपर डिवीजन कलर का क्वेश्चन लिया है मैंने। ऑलरेडी मैं जो पहला वीडियो दिया था उसमें मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया है आपको पीडीएफ, उस पीडीएफ में आप वहां पे क्वेश्चन देख सकते हैं एक्सेल का, वहीं से मैंने ये क्वेश्चन कॉपी किया है। तो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन ये है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। क्वेश्चन ये है, नेम दिया हुआ है, ई एफ जी एच नेम है, ए और बी कॉलम में कुछ वैल्यू है, इस वैल्यू को इन दोनों को ऐड करना है यहाँ पे। इसके अलावा फिर परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कैसे निकालना है, एक ए प्लस बी के रिस्पेक्ट में निकालना है कि जो यहाँ पे 4800 है कितना परसेंट होगा ये इन दोनों का सम का, तो टोटल जो होगा उसके सम उसका परसेंटेज निकालना है। इसके अलावा एवरेज निकालना है ए और बी में। ये तीन चीज क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, जैसे कि मैक्सिमम नंबर कैसे निकालते हैं, मिनिमम नंबर कैसे निकालते हैं, और सब्सट्रैक्शन में बताऊंगा। काफी इजी है एडिशन और सब्सट्रैक्शन, काफी इजी है। परसेंटेज निकालना थोड़ा सा क्वाइट डिफिकल्ट है, बट उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। मैं आपको इतना अच्छा से बताऊंगा लाइव करके कि आपको परसेंटेज में निकालना आ जाएगा। तो चलिए पहले निकालेंगे हम लोग एडिशन कैसे निकालते हैं। देखिए एडिशन दो तरह से निकाल सकते हैं आप, या तो एक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, या फिर आप एक इसमें इनबिल्ट फंक्शन को यूज करके आप निकाल सकते हैं। तो हम दोनों मेथड से निकालेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या है, 4800 और 6000, इन दोनों को ऐड करके वैल्यू यहां लिखना है। पहले मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, उसके बाद फॉर्मूला बताऊंगा। शॉर्टकट तरीका यह है कि इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए आप, और यहां पे देखिए यहां पे सम लिखा हुआ है। यहां पे अगर ये ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो आपको सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम और मोर फंक्शन, और भी बहुत सारे फंक्शन होंगे, वो आपको मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें करना है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी दैट मीन सम करना है, तो सम पे क्लिक करेंगे। सम पे जैसे ही क्लिक किया मैंने तो देखिए 10800 ये आ गया वैल्यू। अब क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद दोबारा नहीं करना है, अब इसको ड्रैग कर देना बस नीचे। अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो सारा वैल्यू सम हो जाएगा। आप देख जोड़ के देख लीजिए, ये दोनों अगर जोड़ेंगे तो 10800 आएगा, ये 9500 आ रहा, यहाँ सब कुछ, ये आप देखिए सब कुछ जुड़ गया। आपको एक पर फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसको ड्रैग कर देना इस पॉइंट से। यहाँ पे जो आप पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पॉइंट से आप ड्रैग करेंगे तो सारा पॉइंट हो जाएगा। तो ये हमने अभी देखा कि कैसे ऐड करते हैं। अब मैं आपको फॉर्मूला से बताता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, सम का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए सम का फॉर्मूला होता है इक्वल टू लिखेंगे पहले, उसके बाद सम लिखेंगे। देखिए बहुत सारा सम आ गया, सम, सम इफ, सम इफ, ठीक है। तो इक्वल टू सम लिखना है, ब्रैकेट देना है। अब ब्रैकेट देने के बाद आपको जिन जिन सेल को ऐड करना है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। तो पहला हमको क्या करना है, इस सेल को 4800 को करना है। 4800 मैंने सेलेक्ट किया तो ये क्या है, D4 सेल है। अब उसके बाद सेमी कॉलन देना है, कॉलन देने के बाद D4 करना है सेलेक्ट। D4 अपने आप आ गया यहाँ पे, देखिए D4 आ गया, सॉरी D4 नहीं, E4 हमें, E4 चाहिए। तो यहाँ पे E4 हमें लिख देना। देखिए यहाँ पे E है और ये 4 है, तो यहाँ पे B वाला सेक्शन E4 में है, E4 लिखते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं और एंटर मारते हैं। देखिए आ गया 10800 है। अब फिर इसको करते हैं एक बार सेलेक्ट, इक्वल टू सम। हालांकि अभी देखिए मैं जो बताया हूँ, इसको अगर आप ड्रैग कर देंगे फिर से यहाँ पे सेलेक्ट करके आप ड्रैग कीजिए, सारा वैल्यू अपने आप ऐड हो जाएगा। लेकिन मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको पूरा फॉर्मूला देके बता रहा हूँ। अगर आपको देखिए यहाँ पे अगर सम करना है तो कैसे करेंगे, इक्वल टू सम, उसके बाद इसको करना है, देखिए D4 अपने आप आ गया यहाँ पे, उसके बाद कॉलोन देना है और D इसको करना है E4 को,
उसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर, यहाँ भी 1800 आ गया, 10800 आ गया, इन दोनों का एडिशन हो गया यहाँ पे। तो मुझे ये नहीं करना है, मुझे यहाँ पे ऐड करना है, इसको करते इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन उसके बाद कॉलोन उसके बाद E4। अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है आप इसको E4 लिख दीजिए डायरेक्ट। कैसे सेल देखते हैं, देखिए यहाँ पे है तो यहाँ के ऊपर में क्या है E है, और ये इधर देखिए 4 नंबर 4 तो E4 सेल, तो हम लिखेंगे E4 ब्रैकेट बंद एंटर आ गया। देखिए एडिशन हो गया। अब उसके बाद देखिए टाइम बचाना कैसे, एक आपने ऐड किया आपको दूसरा लगाना नहीं है, डायरेक्ट ड्रैग कीजिए, ड्रैग कीजिए सारा वैल्यू ऐड हो जाएगा। ठीक है ऐड हो गया, एडिशन आपको पूरा क्लियर हो गया। अगर किसी तरह का कंफ्यूजन एडिशन में लगता है आपको कमेंट करके बताइए, मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा। अब देखिए परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज में क्या लिखा है, परसेंटेज ऑफ ए, ए का परसेंटेज निकालना विथ टोटल, ये जो टोटल आया है इन दोनों के बीच परसेंटेज निकालना, यानी 10,800 जो 4800 है कितना परसेंट है 10,800 का। तो ये मैथमेटिक्स में कैसे निकालेंगे, सिंपली अगर मैथमेटिक्स में अगर निकालना हो तो 4800 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और फाइनली इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 10,800 से। ठीक है तो ये निकल जाएगा फॉर्मूला, यहां से निकल जाएगा क्या वैल्यू है। तो इसी चीज को हम यहां पे करेंगे, कैसे करेंगे, इक्वल टू पहले लिखेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे अब उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे 4800 को, ठीक है 4800 को उसके बाद इनटू करेंगे और 100 लिखेंगे हम यहाँ पे, 100 लिखने के बाद ब्रैकेट बंद करेंगे फिर क्या करेंगे डिवाइड का सिंबल देंगे, डिवाइड और ये सेल 10,800 जो है उसके बाद एंटर मार देंगे, आ गया 44%। अब सेम प्रोसीजर है, इसको ड्रैग कर दीजिए, यहाँ पे डिवीजन का फॉर्मूला यहाँ छोड़ दिया, डिवीजन होगा यहाँ पे। ठीक है तो ये आप देखिए परसेंटेज आप निकालिए, 10,800 का 44% 4800 होगा, 9,500 का 52% होगा 5,000, देख लीजिए कॉमन सेंस है। 10,800 को अगर आप देख लीजिए 4800 ऑब्वियसली 50% से कम है 44%। तो इस तरह परसेंटेज आपने निकाल लिया, परसेंटेज का मैं फॉर्मूला एक बार यहाँ लिख देता हूँ फिर से कैसे निकाला मैंने ताकि आपको ठीक से समझ में आए। पहले क्या करेंगे इक्वल टू लिखेंगे उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे उसके बाद सेल को जिस सेल का निकालना है उसको फिर इंटू उसके बाद 100 ब्रैकेट बंद फिर डिवीजन का सिंबल और डिवीजन के बाद सेल नंबर और इतना लिख लीजिए मैं इसको कर रहा हूं। उसके बाद क्या करेंगे एंटर प्रेस करेंगे, इसके बाद एंटर प्रेस कीजिए, देखिए 44% आ गया। फिर से मैं यहां पे दिखाता हूं आपको, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन ए फिर इनटू 100 ब्रैकेट बंद फिर डिवीजन का सिंबल अगेन ये टोटल जो है यहाँ पे और फिर क्या करेंगे एंटर प्रेस करेंगे, देखिए 54% आ गया। अगेन मैं दिखाता हूँ फिर से आपको, ब्रैकेट ओपन सिलेक्शन करूँ 5800 में यहाँ पे क्लिक कीजिएगा अपने आप आ जाएगा D6 उसके बाद इनटू का सिंबल देंगे, इनटू का सिंबल कैसे देंगे शिफ्ट और 8 दबाएंगे तो इनटू का सिंबल आ जाएगा। ठीक है उसके बाद 100 टाइप कीजिए, 100 के बाद ब्रैकेट बंद उसके बाद डिवीजन का सिंबल दीजिए और फिर फाइनली इसको सेलेक्ट कीजिए और क्या दबाना फिर एंटर हो गया। अब देखिए फिर से इसको मैं एक लास्ट ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रैग कर दिया मैंने हो गया पूरा। ये परसेंटेज निकालना आपने सीख लिया, एडिशन करना सीख गए, परसेंटेज सीख गए, अब एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के नंबर ऑफ जितने नंबर है उससे डिवाइड कर देते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। परसेंटेज निकालना है, मान लीजिए ए और बी का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए तो कैसे करेंगे, 4600 प्लस 6000 ये दोनों को जोड़ देंगे उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको कितने से दो से डिवाइड करेंगे क्योंकि कितना नंबर है दो नंबर है, इसको ब्रैकेट में करके अगर हम डिवाइड करेंगे टू से तो ये फॉर्मूला है। अब इसको यहाँ कैसे निकालेंगे, इक्वल टू करेंगे, ठीक है ब्रैकेट करेंगे, एक इसको सेलेक्ट करेंगे उसके बाद प्लस का सिंबल देंगे उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, एक सेकेंड प्लस नहीं
देखिए यहाँ पे इसको फिर से मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे, इक्वल टू करेंगे, उसके बाद पहले क्या जोड़ना है हमें ना, पहले सम करेंगे, तो पहले सम ब्रैकेट अगेन बंद और फिर ए को सेलेक्ट करेंगे, कॉलन देंगे, दूसरे सेल को सेलेक्ट करेंगे, बंद करेंगे ब्रैकेट को, उसके बाद डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे, क्योंकि दो नंबर का हम एवरेज निकाल रहे हैं, तो नंबर कितने नंबर है, दो है, तो दो से डिवाइड करेंगे और इक्वल टू दबाएंगे, सॉरी एंटर दबाएंगे, एंटर जैसे ही दबाएंगे एवरेज निकल गया। ठीक है, अगर चाहे तो आप यहां से भी एवरेज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, यहां पे जाएंगे, एवरेज में क्लिक करेंगे, एवरेज देखिए अपने आप यहां एवरेज आ गया। देखिए मैं इसको भी दिखाता हूं आपको एवरेज निकाल के, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, यहां पे जाएंगे ऑटो सम में, एवरेज क्लिक करेंगे, अपने आप देखिए सम एवरेज हो गया। अब एक आपने एवरेज निकाल लिया तो आप सबको निकालने की जरूरत नहीं है, आप ड्रैग कर दीजिए, सारा निकल गया, तो एवरेज हमारा निकल गया, परसेंटेज निकल गया, एडिशन निकल गया। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज और बताता हूं। मान लीजिए आपको ए माइनस बी, ए माइनस बी अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सिंपली इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जाइए और यहाँ माइनस नहीं है, आप माइनस कीजिए यहीं से, फॉर्मूला से माइनस कीजिए, ये बहुत ही आसान है। इसको करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इक्वल टू कीजिए, जिसको माइनस करना है इसको, सॉरी एक चूंकि ये बड़ छोटा है तो हम पहले क्या करते हैं, स्केप करते हैं, फिर से करते हैं, पहले इक्वल टू लिखेंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए, और इसको सेलेक्ट करते हैं पहले, क्योंकि ये बड़ा है, क्वेश्चन तो उल्टा दिया हुआ, तो पहले सेलेक्ट करते हैं बड़े को, उसके बाद माइनस का सिंबल देते हैं और उसके बाद जो सब्ट्रैक्ट करना उसको सेलेक्ट करते हैं और सिंपली एंटर करना है, तो ये आ गया। अब बाकी को अगेन ड्रैग कर दीजिए नीचे, जितना सारे सब्ट्रैक्ट होंगे, देखिए ये चूंकि ये उल्टा हो गया, इसको ड्रैग नहीं करते हैं क्योंकि ये उल्टा हो रहा है, 5,4500 है, तो इसको कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वल टू, फिर इसको सेलेक्ट करते हैं माइनस 4500, एंटर करते हैं 500 आ गया। ठीक है, वो फॉर्मूला उल्टा था इसलिए उल्टा सब्ट्रैक्ट किया था, ड्रैग करेंगे तो उल्टा सब्ट्रैक्ट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा था नंबर, तो हम इसको फॉर्मूला से लिख देते हैं। अब क्या है, बाकी दोनों सही है नंबर, तो इसको आप ड्रैग कर लीजिए, ये सही हो जाएगा, आप कोई कंफ्यूजन मत रखिए। ठीक है, ये आपका 4600 और माइनस 3200 ये कुछ गलत आ रहा, इसको हम लोग करते हैं खुद से, इक्वल टू करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, माइनस देते हैं, फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, एंटर मारते हैं 1400। ठीक है, ये आ गया, फिर ये आपका गलत आ रहा है यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन, इसको भी हम फॉर्मूला से करते हैं, इक्वल टू 5500 माइनस 5000, यहाँ 800 आना चाहिए, 800 आ गया। ठीक है, चूंकि ये ड्रैग लगता है, कुछ ड्रैग में कुछ प्रॉब्लम थी, ड्रैग आप मत कीजिए, इसको डायरेक्टली ही कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। इस तरह इसको भी करते हैं, यहाँ भी फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू 5500। अच्छा ओहो, ये इसलिए गलत आ रहा क्योंकि यहाँ देखिए, ये मैंने इस कॉलम में यहाँ पे वैल्यू को रखा था और ड्रैग कर रहा था मैं, तो इसलिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे इसके सामने देखिए, ये इसको कट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसको, अब ड्रैग करते हैं, देखिए इन दोनों को पहले करते हैं माइनस, इक्वल टू 6000 माइनस, सिंबल देना है, 4800 को सेलेक्ट करना है, इक्वल टू दबाना है, 1200 हो गया। अब उसके बाद ये सीधा नंबर है तो इसको करते हैं इक्वल टू 5000 माइनस 4500, सेलेक्ट किया मैंने, एंटर मारा, 500 आ गया। एंटर लास्ट में मारना ना भूले, एंटर मारेंगे तो जैसे ही वैल्यू आ जाएगा, तो ठीक है। उसके बाद देखिए आप ड्रैग कीजिए, वैल्यू पूरा आएगा आपका, आ गया 500, 800, 1400, ये दोनों आ गया वैल्यू। मैं इसको जूम बड़ा करके दिखा देता हूँ थोड़ा, वैल्यू ये आ गया। ठीक है, बोल्ड कर देता हूँ इसको, तो ये सब्ट्रैक्ट करने के लिए बताया मैंने, एवरेज निकालने के लिए, फिर आपको परसेंटेज निकालने के लिए और एडिशन करने के लिए। ठीक है, अब बताता हूं मैं आपको कि मान लीजिए ये चार नंबर है, इसके जगह 100 नंबर होंगे और आपको मैक्सिमम नंबर निकालने को कहा जाए तो कैसे निकालेंगे आप, क्या सारा नंबर देखते जाएंगे मैक्सिमम कौन सा है? नहीं, इसको फॉर्मूला से निकालते हैं। सारा सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जाइए ऊपर में जहां पे है और मैक्स पे क्लिक कीजिए, ये आ गया वैल्यू, देखिए 5800 वैल्यू आ गया।
5800 जो है मैक्सिमम नंबर है यहाँ पे 5800। इसी तरह अगर इसमें से चेक करना है मैक्सिमम नंबर तो क्या करेंगे, मैक्स पे क्लिक करेंगे, 56000 मैक्सिमम है, आ गया वैल्यू, आंसर आ गया। अब चेक करते हैं मिनिमम नंबर इसमें से कौन से, फिर से सेलेक्ट करते हैं, ऊपर में जाएंगे, मिनिमम नंबर करेंगे तो देखिए 4600 मिनिमम वैल्यू आ गया। आप चेक कर लीजिए 4600 ही है मिनिमम, 4600 मिनिमम है, बाकी सब 5000 और 4800 है। अब इसमें से मिनिमम चेक करते हैं, मिनिमम में यहाँ जाएंगे, मिनिमम में सेलेक्ट करेंगे, देखिए 3200 सबसे मिनिमम है। तो हमने क्या क्या सीखा अभी दोस्तों, मैक्सिमम नंबर निकालना, मिनिमम नंबर निकालना, एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, परसेंटेज निकालना सीखा, उसके बाद हमने एवरेज निकालना सीखा, एवरेज कैसे निकालते हैं। मुझे लगता है कि पंचायत सचिव के एग्जाम में इससे ज्यादा आने की संभावना कम है। अगर आपको फिर भी और कुछ इसमें जानना चाहते हैं आप, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा वो भी आपको बताऊं, ठीक है। तो ये मैक्सिमम मिनिमम नंबर है, इसको मैं डिलीट मार देता हूं और ये इसको एज इट इज रहने देता हूं, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं, अगर किसी भी तरह की क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए मुझे। आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों को भी जरूर से जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।